माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के दो फीचर टपल तथा लिस्ट के बारे में जानेंगे कि टपल और लिस्ट क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। चलिए शुरू करते हैं टपल और लिस्ट के बारे में, या उनका डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला है लिस्ट इज ए ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। लिस्ट क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है। लिस्ट किस प्रकार का ग्रुप है? कॉमा के द्वारा सेपरेट किया हुआ वैल्यू है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, या क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है। लिस्ट क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में पाया जाने वाला होता है। स्क्वायर ब्रैकेट आर मैंडेटरी, इट कंज्यूम मोर मेमोरी। स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है? कंपलसरी होता है, यानी मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। लिस्ट में वैल्यू के साथ स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। वैल्यू कैसे टाइप करेंगे, कैसे राइट करेंगे? कॉमा के साथ, कॉमा के साथ कोई भी वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। यह जो है कंज्यूम मोर मेमोरी, यह ज़्यादा मात्रा में मेमोरी को लेता है। अब टपल क्या होता है? टपल इज ए ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू विथ इन पैरेंथिस एंड पैरेंथिस इज ऑप्शनल, इट कंज्यूम लेस मेमोरी। ये जो है टपल क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है, पैरेंथिसिस में ब्रैकेट में पाया जाता है, लेकिन यह ऑप्शनल है। ब्रैकेट क्या है इसमें? ऑप्शनल है। इस लिस्ट में ब्रैकेट क्या है? कंपलसरी है, यानी ब्रैकेट यहाँ पर मैंडेटरी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? ब्रैकेट ऑप्शनल होता है। आप ब्रैकेट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। लिस्ट जो है मोर मेमोरी लेता है और टपल जो है लेस मेमोरी कंज्यूम करता है। ये इसमें बेसिक अंतर होता है। इसका दूसरा अंतर, दूसरा डिफरेंसेस, लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट में हम लोग बदलाव कर सकते हैं, लिस्ट में हम लोग बदलाव कर सकते हैं। और टपल आर इम्यूटेबल। टपल क्या होता है? इम्यूटेबल होता है, इसमें बदलाव नहीं होता है। इसका तीसरा डिफरेंस क्या है? लिस्ट आर यूज टू स्टोर होमोजीनियस एलिमेंट विच आर एलिमेंट दैट आर बिलोंग टू द सेम टाइप। लिस्ट जो है होमोजीनियस एलिमेंट को एक्सेप्ट करता है। लिस्ट जो है होमोजीनियस जो होता है एक समान एलिमेंट को एक्सेप्ट करता है, रखता है। टपल क्या करता है? यह हेट्रोजीनियस होता है, यह हेट्रोजीनियस एलिमेंट को स्टोर करता है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है टपल एग्जांपल इक्वल ब्रैकेट में अमित कामा इन्वर्टेड कामा में सुमित कामा राज। ये हेट्रोजीनियस हैं एलिमेंट। यहाँ पर क्या है लिस्ट एलिमेंट में क्या हुआ है? अमित कामा टेन हो सकता है उसका कुछ एज हो। इसके बाद यहाँ पर और कुछ लिखा हुआ है राज, ठीक। तो ये क्या है? होमोजीनियस है, लिस्ट होमोजीनियस होता है, एक समान एलिमेंट को रखता है, और टपल जो है हेट्रोजीनियस होता है, एक समान एलिमेंट के अलावा इसमें हेट्रोजीनियस एलिमेंट पाए जाते हैं। एक चौथा है क्या इसमें डिफरेंस? इट इज कंटेंट इज नॉट फिक्स। यदि कंटेंट क्या होता है? फिक्स नहीं होता है एंड कीप ऑन चेंजिंग, और उसमें बदलाव की संभावना है, देन वी गो टू फॉर लिस्ट। यदि कंटेंट फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं है, उसमें बदलाव संभव है, तब हम उसको लिस्ट में रखते हैं। और यदि इफ़ द कंटेंट इज फिक्स, यदि कंटेंट फिक्स है और उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं हो सकता है, बदलाव नहीं हो सकता है, देन वी शुड गो टू टपल। तब हम उसको किस में रखेंगे? टपल में। लिस्ट में चेंज हो सकता है, बदलाव संभव है, और
जब जब बदलाव संभव है तभी हम उसको लिस्ट में रखेंगे, यदि बदलाव हम नहीं चाहते हैं नेवर चेंजेस तब हम क्या करेंगे इसको टपल में रखते हैं। जब हम लोग बदलाव चाहेंगे यानी कंटेंट में बदलाव हो सकता है तब हम उसको लिस्ट में रखेंगे, और यदि कंटेंट में बदलाव नहीं हो सकता है तब हम उसको टपल में रखेंगे। अगला डिफरेंसेस देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वी कैन चेंज द साइज ऑफ ए क्रिएटेड लिस्ट, लिस्ट हैव सेवरल बिल्ट इन मेथड। हम लिस्ट के साइज को क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं, और इसमें कई बिल्ट इन मेथड्स पाए जाते हैं। लिस्ट की साइज को बदला जा सकता है और इसमें कई बिल्ट इन मेथड पाए जाते हैं। इसमें क्या है वी कैन नॉट चेंज, हम इसमें इसकी साइज को हम लोग क्या कर सकते हैं बदल नहीं सकते। वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल, जो टेबल पहले से मौजूद है उसकी साइज को हम लोग नहीं बदल सकते हैं। डज नॉट हैव मस्ट बिल्ट इन मेथड, इसमें कोई बिल्ट इन मेथड नहीं पाया जाता, इसमें बिल्ट इन मेथड पाया जाता है और इस टपल में बिल्ट इन मेथड नहीं पाया जाता है। दोनों में अंतर है, इसमें बिल्ट इन मेथड पाया जा रहा है और इसमें बिल्ट इन मेथड नहीं पाया जाता। अगला डिफरेंस क्या है एप्लीकेशन ऑफ इंटरेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, इसमें जो है इम्प्लीफिकेशन जो होता है एप्लीकेशन होता है उसका इंटरेक्शन जो है टाइम कंज्यूम यानी टाइम ज़्यादा लेता है, और ये जो है फास्टर। एप्लीकेशन ऑफ इंटरेक्शन कंपेरेटिवली फास्टर, इसकी तुलना में इसका जो है इम्प्लीकेशन जो होता है फास्ट होता है, यानी ये थोड़ा लिस्ट जो है स्लो कार्य करता है और टपल क्या होता है थोड़ा फास्ट होता है, लिस्ट की अपेक्षा फास्ट होता है। लिस्ट का अगला क्या है लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी यूज एज कीज फॉर डिक्शनरीज, डिक्शनरीज के लिए या कीज का प्रयोग लिस्ट को हम लोग कीज नहीं बना सकते हैं क्योंकि बिकॉज कीज शुड बी इम्यूटेबल, की क्या होता है म्यूटेबल, सॉरी की शुड बी म्यूटेबल, की क्या है परिवर्तनीय है, और टपल क्या है टपल ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एज कीज फॉर द डिक्शनरी बिकॉज की शुड बी इम्यूटेबल। डिक्शनरी यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्शनरीज के लिए लिस्ट को की के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वह बदल जाता है परिवर्तनीय है, उसमें टपल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं कीज के रूप में क्योंकि वह इम्यूटेबल है अपरिवर्तनीय होता है। टपल क्या है अपरिवर्तनीय है इसीलिए यह की का प्रयोग इसको की के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और लिस्ट को की के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह म्यूटेबल है बदल जाता है। अगला क्या है द लिस्ट इज बेटर फॉर प्रोग्रामिंग ऑपरेशन सच एज इंसर्शन एंड डिलीशन, लिस्ट जो है बेटर प्रोग्रामिंग क्या है बेटर है फॉर प्रोग्रामिंग ऑपरेशन के लिए बेटर है क्योंकि इसमें आसानी से इंसर्शन और यानी इसमें डेटा को आसानी से इंसर्ट किया जा सकता है और डिलीट किया जा सकता है। टपल डेटा इज एप्रोप्रिएट फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट, टपल डेटा का प्रयोग एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए प्रयोग करते हैं, लिस्ट में को इंसर्ट और लिस्ट को इंसर्ट और डिलीट आसानी से कर सकते हैं, लेकिन टपल डेटा का प्रयोग कहाँ किया जाता है एक्सेसिंग द एलिमेंट। देखिए मैं आपको फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ कि लिस्ट और टपल में क्या अंतर है। देखिए सबसे पहले क्या है इसमें कॉमा के साथ जो वैल्यू होगी उसमें ब्रैकेट जरूरी है, और यह जो है मोर मेमोरी ज़्यादा मेमोरी लेता है, इसमें जो है जो डेटा रहेगा उसमें ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं होगी, ब्रैकेट इसमें ऑप्शनली है, और यहाँ पर लेस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है।
लिस्ट जो है म्यूटेबल होता है, परिवर्तनीय होता है, टपल अपरिवर्तनीय होता है। यहाँ पर लिस्ट जो है एक प्रकार के एलिमेंट को रखता है, यानी होमोजेनियस एलिमेंट को रखता है, और टपल जो है हेट्रोजीनियस एलिमेंट को रखता है। लिस्ट को हम लिस्ट तभी बनाते हैं जब उसमें डेटा में कुछ चेंजिंग करना होता है, तब फिक्स डेटा नहीं होता है तो लिस्ट का प्रयोग करते हैं, और यदि फिक्स डेटा है तो हम टपल का प्रयोग करते हैं। वी कैन चेंज द साइज ऑफ ए क्रिएटेड लिस्ट हैव सेवरल बिल्ट इन, इसमें सेवरल बिल्ट इन मेथड पाए जाते हैं जिससे हम लोग साइज को बदल सकते हैं। इसमें बिल्ट इन मेथड नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें बदलाव नहीं होता है। इसमें इम्प्लीकेशन ऑफ इंसर्शन इन टाइम कंज्यूमिंग, इसमें समय जो है कुछ ज़्यादा ही लगता है इंसर्शन के लिए, और इसमें फास्ट होता है। इंसर्शन क्या होता है, इसमें फास्ट होता है। लिस्ट का ऑब्जेक्ट कैन नॉट, इसमें हम लोग लिस्ट के ऑब्जेक्ट को की नहीं बना सकते हैं क्योंकि यह बदलता रहता है, और टपल के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, की के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लिस्ट जो है बेटर होता है, किसी लिस्ट जो है प्रोग्रामिंग के लिए बेटर है, जिसके द्वारा हम लोग आसानी से इंसर्शन कर सकते हैं और डिलीशन भी कर सकते हैं, और टपल का प्रयोग डेटा को यानी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो ये रहा लिस्ट और टपल के बीच में बेसिक डिफरेंसेस। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पाइथन से संबंधित या और कोई भी टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो आसानी से मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।